नमस्कार, एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। खंडवा, 48 घंटे बाद ईवीएम जमा होने पर कांग्रेसी कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर टेंट लगाकर कर रहे हैं निगरानी। पीएचडी स्कॉलर छात्रा पर चाकू से हमला, बदमाशों का अब तक नहीं लगा कोई सुराग। फेसबुक ने उपभोक्ताओं के डेटा का इस्तेमाल प्रतिस्पर्धात्मक हथियार के रूप में किया। तो अब खबरें विस्तार से। खंडवा विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कई मामले सुनने को मिल रहे हैं। इसी तरह 48 घंटे बाद ईवीएम जमा होने पर कांग्रेसी कार्यकर्ता खंडवा के स्ट्रांग रूम के बाहर टेंट लगाकर निगरानी कर रहे हैं। प्रशासन ने उन्हें सीसीटीवी का आईपी एड्रेस भी मुहैया कराया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने बुधवार को दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की छात्रा पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने कॉलेज से लेकर मॉरिस नगर पुलिस थाने तक कैंडल मार्च निकाला। छात्रों की मांग है कि दोषियों को जल्द पकड़ा जाए और पुलिस कैंप्स और आसपास के इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। लंदन ब्रिटेन की एक संसदीय समिति की ओर से जारी आंतरिक दस्तावेजों से इस बात को स्पष्ट प्रमाण मिले है कि फेसबुक ने अपने उपयोगकर्ताओं के डेटा का इस्तेमाल प्रतिस्पर्धात्मक हथियार के रूप में किया है। साथ ही फेसबुक ने इस संबंध में अपने उपयोगकर्ताओं को हमेशा अंधेरे में रखा। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।